उन्होंने कोई लीला न की हो, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं लगता है। वो दो तीन जगह आए गए और चले गए, फिर वैसे भी उसकी महिमा का भी कुछ पता नहीं लगता है। पुण्य मिलेगा, हाथ जोड़ दिए, परिक्रमा कर ली, माथा टेक दिया, प्रसाद बांट दिया, चले गए। ब्रज में भगवान ने कहां कहां लीला की है, हर गांव में हर गली में भगवान के लीला स्थल है। केवल 20-30-50 गांव ऐसे होंगे जो आक्रांताओं ने मुस्लिम काल में उनके नाम बदलकर अपने अनुसार नाम रख दिए, वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40-50 ऐसे गांव कस्बे होंगे। शेष समस्त गांव उनके जो नाम है वो भगवान की लीलाओं पर रखे गए, लीलाओं से गांव का नाम है। तो यहाँ भगवान ने उस नाम की लीला की, इसलिए उसका नाम ये है। जैसे आप मथुरा के किनारे पर जाइए, अलीगढ़ जहाँ से शुरू होता है, अंतिम गांव है मथुरा का, उसका नाम है मोरकी। तो हमने वहां पूछा किसी गांव के सज्जन से कि इसका गांव का नाम मोरकी क्यों रखा। बोले यहाँ जब कृष्ण गाय चराने यहाँ तक आते थे और यहाँ से मोड़ कर ले जाते थे गाय, उसका नाम मोरकी। यानी कोई भी नाम लीजिए आप, किसी भी गाँव, वहां भगवान की उस प्रकार की कोई कोई लीला हुई। तो ब्रज लीला बहुत विस्तार से है, और उस सुनकर जब आप ब्रज में दर्शन करने आएंगे तो फिर ब्रज की अव्यवस्था, ब्रज की गंदगी, ब्रज का खारापन, यहाँ की कीचड़, यहाँ के सड़े हुए कुंड, वो नहीं दिखाई देंगे आपको। बालयुग के लीला करते हुए भगवान के स्वरूप दिखाई देने लग जाएंगे, इस कुंड में भगवान ने ये लीला की। उसको सुनने के बाद फिर आपको लगेगा ये तो जीवित जागृत है, आपको ऐसा भ्रम होने लगेगा कहीं भगवान इधर से दिखाई दे जाएंगे, कहीं इधर से दिखाई दे जाएंगे, तो वो कथा है। फिर भक्तों के चरित्र बड़ी मात्रा में उसमें गाए गए हैं, जो भक्तों के चरित्र गाने से सुनने से जीवन में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति प्रकट होने का कोई दूसरा और साधन नहीं है, भक्तों का चरित्र जितना सुनेंगे। तो जब भक्तों के चरित्र हम गाते हैं, सुनते हैं, तो अपना आत्मनिरीक्षण होते जाता है कि ये ऐसे थे, इसी कलकाल में थे, हमारे जैसे थे, और हम कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ पहुँच गए। अपने मन में भी दुर्गुण छोड़ने की एक संकल्प शक्ति जगती है और सद्गुण प्रकट करने की इच्छा शक्ति जगती है। तो भक्तों के चरित्र सुनना ये बहुत आवश्यक है इस कलकाल में। उसको सुनते ही अपन को अपना दिखाई देने लगेगा कि कितना जीवन हमने कहां से कहां बिगाड़ दिया, जीवन तो ऐसा जीना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो गया सो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अब जो शेष बचा है उसको उसी भक्ति की सुगंध में सराबोर करे। तो भक्तों के चरित्र है, शेष भगवान की कथाएं पूरी तो नहीं गाई जा सकती, सालों साल बैठ कर गाएंगे तो भी नहीं गाई जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अथा सागर है अमृत का, इसको उलीच कर खाली नहीं किया जा सकता, अपनी क्षमता अनुसार इस अमृत का पान किया जा सकता है। तो 40-30-70 और 82, इन 82 दिनों में हमने इस अमृत के महासागर में से कुछ आचमन किए हैं जो हमारे जीवन का कल्याण करेगा। आगे किसी समय निश्चित करके आपको भी सुविधा हो, हमको भी सुविधा हो, फिर वृंदावन में एक बार बैठेंगे सामूहिक रूप से। और वो जो सीढ़ियां हैं, क्या कहते हैं उसे, पेन ड्राइव, अंग्रेजी में करनी पड़ती है, पेन ड्राइव जो है वो हम सबको भेंट करेंगे, और वो वर्षानुवर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, विज्ञान का ऐसा सुविधा है। तो वो आप अपने घर में, फिर कोई वृंदावन आने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत अधिक कथा के आयोजन में बहुत पैसा भी खर्च होता है व्यवस्थाओं पर, वो कमल जी जानते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है। उन्होंने यहाँ भी कराई है, सारासर में भी कराई थी, हाँ खाटू श्याम में कराई थी, दिल्ली आदि में भी कराई, तो उनको मालूम है कि कथा और कथावाचक कितने सस्ते होते। उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है कि कई कई कथा के माध्यम से हम लोग मिलेंगे, प्रकट मिलने का, प्रत्यक्ष मिलने का भी आनंद होता है, संस्कार भी पड़ता है, लेकिन हमारे कान ऐसे हैं और हम आपके घर में बैठे कथा करना शुरू कर देंगे। तो ये एक उद्देश्य था जो आज पूर्ण आवृत्ति की ओर है, पूर्ण होने जा रहा है और निश्चित रूप से पूर्ण हो। बहुत बंधु इस बार के सत्र में भी यजमान के रूप में रसोई से